Realme ने लॉन्च कर दिया अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन जो कि है Realme 2 Pro। अब गाइज इस फोन की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई कि भाई इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक्चुअल में फोन कैसा दिखता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी बातें Realme 2 Pro के बारे में जो आप बिल्कुल नहीं जानते। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स में क्या कुछ आपको मिलता है, फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है फोन की डिजाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये हमारा Realme 2 Pro और बॉक्स कुछ सिमिलर आपको लग रहा होगा Realme 2 से। फिलहाल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डुअल रियर कैमरा जो कि है 16+2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का। इसके अलावा यहाँ पे 6.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। 3500 एमएएच की आपको बैटरी मिल जाती है। प्राइस को यहाँ पे कट कर दिया गया है लेकिन जो प्राइस होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो जरूर से आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें रियर पैनल की, यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जैसे कि ब्लू ओशियन कलर है इस फोन का और यहाँ पे 4GB की रैम मिल जाती है, 64GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल जाती है और ये स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है तो ये एक काफी अच्छी बात है। सो गाइस चलिए ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा Realme और साथ में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं। और गाइस यहां पे ओपन करेंगे इसको और यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक सिम इजेक्टर टूल और साथ ही साथ बैक कवर दिया हुआ है तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको डिज़ाइन जो है वो छुपेगी नहीं, आप ज़रूर से इसको यूज़ कर सकते हैं। और गाइस यहां पे आपको मिल जाता है इन्फॉर्मेशन गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड। और गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका Realme 2 Pro जो कि ब्लू कलर में है और साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक चार्जर जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है ओप्पो की ब्रांडिंग तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक डेटा केबल मिल जाती है और ये है टाइप A2 माइक्रो USB। सो दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन की तो कुछ इस तरह से यहाँ से हटाते हैं इस रैपर को। ओके वाओ। सो गाइज ये फोन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है फ्रंट साइड में। और अगर हम बात करें यहाँ पे रियर पैनल की तो ब्लू कलर यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और फिनिश काफी अच्छी है, यहाँ पे ग्लास फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कैमराज की तो डुअल कैमराज भी दिए हुए हैं। गाइज बात करते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 6.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले और यहाँ पे जो पैनल है वो है आईपीएस पैनल। अब गाइज यहाँ पे जो क्लियरिटी है वो काफी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं और यहाँ पे जो कलर का सेचुरेशन लेवल है वो काफी अमेजिंग है। और गाइज यहाँ पे जो नॉच दी हुई है वो काफी अच्छी है, दूसरे स्मार्टफोन से काफी डिफरेंट है और यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। और गाइज यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो काफी कम हैं और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा 90.8% का। अब गाइज नॉच के अंदर आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा और उसके जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा ईयरपीस। अब यहाँ पे ईयरपीस की प्लेसमेंट से मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और काफी अच्छे से प्लेस किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे फोन के रियर पैनल की तो यहाँ पे ग्लास फिनिश आपको देखने को मिलती है और सबसे ऊपर आपको मिल जाते हैं डुअल रियर कैमराज जो कि है 16+2 के। अब गाइज उसके बगल में आपको मिल जाता है एक सिंगल टोन LED फ्लैश और उसके नीचे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। गाइज यहाँ पे बात करें फोन के रियर पैनल की तो इस बार Realme ने काफी अच्छा काम किया है और यहाँ पे जो हैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है। गाइज ये स्मार्टफोन आपके हाथों में परफेक्टली फिट हो जाता है तो ये एक काफी अच्छी बात है। जो यहाँ पे राउंडेड एजेस दिए हुए हैं वो काफी अच्छे आपको फील करते हैं आपके हाथों में और 5.5 इंच की डिस्प्ले में 6.3 इंच की डिस्प्ले दी हुई है। कहने का मतलब ये है कि फॉर्म फैक्टर काफी अच्छा है इस फोन का। और दोस्तों यहाँ पे आपको ग्लास फिनिश देखने को मिल जाती है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है और ब्लू कलर में फोन काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको मिल जाता है राइट साइड में एक पावर बटन और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम ट्रे तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे हाइब्रिड है या फिर डेडिकेटेड है। सो गाइज यहाँ पे आप 2 सिम प्लस 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है 3 स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है तो ये एक डिवाइस का काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। फोन के बॉटम साइड में दिया हुआ है एक स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB 2.0 पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और आपका 3.5mm जैक। टॉप पोर्शन में आपको मिल जाएगा सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक। दोस्तों बात करिए इस फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो यहाँ पे मैंने लॉक किया फोन को और टच किया ओपन हो गया। सो गाइज यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है और काफी ज्यादा एक्यूरेट है। अगर हम बात करें यहाँ पे फेस अनलॉक की सो गाइज यहाँ पे लॉक किया और ये ओपन हो गया, लॉक किया ओपन हो गया। सो गाइज यहाँ पे फेस अनलॉक भी काफी फास्ट दिया हुआ है और दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे दिया हुआ है स्नैपड्रैगन 660। सो गाइज अगर आप एक गेमर हैं, गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी फास्ट है,
काफी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। गाइस स्नैपड्रैगन 660 सपोर्ट करता है एआई को, तो ये भी एक काफी डिवाइस का प्लस पॉइंट है। आपको कैमरे में भी एआई मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे मैंने गेम को रन किया, जैसे हम बात करें पबजी को, एस्पेल्ट 9 को और भी कुछ एक दो गेम मैंने रन किए, तो काफी स्मूथ चल रहे हैं, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं आती, कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट्स की, तो ये है फोन की बैटरी, आपको मिल जाती है 3500 mAh की बैटरी। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो लगभग से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो UI है वो काफी स्मूथ है और ये है कलर OS 5.2। अगर हम बात करें यहाँ पे अबाउट फोन की, सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन 8.1.1 और ये है ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपडेट भी मिलेगा एंड्रॉयड पी का, तो ये एक डिवाइस की काफ़ी अच्छी बात है। ये जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम के साथ में, जहाँ पे आपको 64GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है, और यहाँ पे जो फ्री स्पेस है वो है 46.7, ऑलमोस्ट 47GB का। अब गाइज यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको दिख जाती हैं, जो कर्नल सोर्स वगैरह है, सितंबर 5 का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के कैमरे की, तो अभी आप देख सकते हैं कुछ फोटोज़, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और चेक करते हैं शटर स्पीड कितनी फास्ट है। ओके ये तो हो गया फ्लैश के साथ में, और यहाँ पे फ्लैश को ऑफ कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे फोकस किया और ये शटर स्पीड यहाँ पे गाइज बहुत फास्ट है। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे फ़ोन के क्लियरिटी की, सो यहाँ पे आपको 16+2 का कैमरा मिल जाता है, तो कलर्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ फोटोज़ मैंने क्लिक किए हैं इस फ़ोन के रियर कैमरे से और फ्रंट कैमरे से। सो गाइज अभी आप जो फोटो देख पा रहे हैं वो मैंने क्लिक किया है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से। सो देख सकते हैं किस तरीके की आपको फोटो देखने को मिलती है। और गाइज अब जो फोटो आप देख पा रहे हैं वो मैंने क्लिक किया है इस फ़ोन के रियर कैमरे से, तो कुछ इस तरह से आपको कलर्स मिलते हैं, कुछ इस तरह से आपको क्लियरिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों Realme 2 Pro आपको 3 अलग अलग वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास जो है वो है 4GB रैम के साथ में, जहाँ पे आपको 64GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 और वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, जहाँ पे आपको 6GB की रैम मिल जाएगी और 8GB की रैम मिल जाएगी। अब यहाँ पे 8GB की रैम और 128GB रोम के साथ में जो स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, वहाँ पे आपको UFS 2.0 की स्टोरेज मिलेगी। और गाइज UFS 2.0 स्टोरेज काफ़ी फास्ट होती है, तो अगर आप एक गेमर हैं तो आपके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस फ़ोन के प्राइस की, तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा कॉमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप ज़रूर से देख सकते हैं। सो गाइज Realme 2 Pro लॉन्च किया गया है काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे, और यहाँ पे अच्छी डिज़ाइन के साथ साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। अब गाइज यहाँ पे पहले से अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन, जैसे Redmi Note 5 Pro, Xiaomi का MIA2 और यहाँ पे Nokia 6.1 Plus, और एक स्मार्टफोन तो अभी लॉन्च किया गया है जो कि है Motorola One Power। अब गाइज यहाँ पे सभी स्मार्टफोन्स को Realme 2 Pro ने एकदम से किल कर दिया है और क्लियरली विनर है। सो गाइज अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है तो जरूर से आप इस फोन को ले सकते हैं। So guys, ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Realme 2 Pro की और छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू। अब गाइस यहां पे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो जरूर से पूछिएगा कमेंट्स में, एक वीडियो आएगा जहां पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर दो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में क्लिक कर दो बेल आइकन को। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।